अमेठी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा फाइलेरिया संक्रमण को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। इसके लिए बृहद रूप से अभियान चलाकर लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 दवाएं बीमारी के लक्षण वाले लोगों के साथ अन्य लोगों को खिलाई जाएंगी, जिससे फाइलेरिया की रोकथाम हो सके। दरअसल फाइलेरिया एक संक्रमित रोग है, आम तौर पर और आम भाषा में इसे हाथी पांव भी कहते हैं। यह बीमारी व्यक्ति को कमजोर बना देती है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी के लक्षण 5 वर्षों से 15 वर्षों तक प्रकट होने लगते हैं। ऐसे में बीमारी से बचने के लिए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको बता दें कि जनपद में फाइलेरिया को रोकने के लिए और इस बीमारी से लोगों को सुरक्षित करने के लिए जनपद में 10 फरवरी से 27 फरवरी तक विशेष अभियान चलेगा। इस अभियान में 21 लाख से अधिक लोगों को 3500 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर अपने सामने दवा खिलाएंगे। इस बीमारी में 2 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को छोड़कर सभी लोगों को दवा खिलाई जाएगी। इसके लिए ब्लॉक वार स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। फाइलेरिया बीमारी के क्या लक्षण हैं और जनपद में किस तरीके से बीमारी फैल रही है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और बीमारी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। फाइलेरिया बीमारी के लक्षण जिनमें आंखों में सूजन, पैरों में सूजन के साथ अंडकोश में भी अस्थायी सूजन हो जाती है। बीमारी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट के जरिए इस बीमारी का पता चल जाता है। जनपद के नोडल अधिकारी AK अजीजी ने बताया कि फाइलेरिया मच्छरों की वजह से फैलती है। मच्छरों से बचाव करने के लिए समय समय पर मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, पूरी बांह के कपड़े पहनना चाहिए और जनपद में फाइलेरिया के अब तक 59 मरीज चिन्हित हुए हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। आगे भी अभियान चलाकर आशा बहु और स्वास्थ्यकर्मियों के माध्यम से घर घर जाकर सभी को दवा खिलाई जाएगी ताकि बीमारी से रोकथाम की जा सके। आपको बता दें कि जनपद में 59 मरीज अब तक फाइलेरिया के चिन्हित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और स्वास्थ्य महकमे ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के साथ साथ जगह जगह टीमें भेजकर मरीजों का चिन्हीकरण शुरू करा दिया है। अभी हमारे जनपद में सिर्फ 59 मरीज चिन्हित हुए हैं, जिसमें से एक बच्चा है और ये फाइलेरिया जो ये इन्फेक्शस डिजीज है, ये मॉस्किटो से फैलता है। इसके बचाव के तरीके यही हैं कि आप मच्छरदानी लगा के रखें और जो लार्वा हैं उनको, लार्वा जो पानी में उत्पन्न होते हैं और जो नालियों में होते हैं, उसमें आयल का, मोबिल का इस छिड़काव करके लार्वा को पनपने ना दें, जिससे ये बीमारी ना फैले। आगे किस तरीके से सर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? आगे से हमारी टीमें गठित हो गई हैं, हमारा माइक्रो प्लान बन गया है। इसमें कार्बाल बेरोसाइड के फोर्ट की दवा और आयोमेक्टिन और बेल्डा जोल का इसमें अभियान चला करके आशा के माध्यम से और हमारे टीमों के माध्यम से इनको प्रति व्यक्ति बच्चों को जो है दवा खिलाई जाएगी। अनुमानित हमारे जितने पॉपुलेशन हैं, दो वर्ष से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं, वो सभी को हम दवा खिलाएंगे।